ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उनको खुशामदीद कहता हूँ सिंध में, और हम बहुत पुराने दोस्त हैं। और मुर्तजा साहब यहाँ आपको पता है बहुत ही एक्टिव जर्नलिस्ट थे एक ज़माना, और फिर एक बड़े अदारे में अमेरिका में लीडिंग जर्नलिस्ट रहे, फिर वापस आ गए, और फिर रेडियो पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन की और डिजिटलाइजेशन की, उनका उसका आर्काइव डिजिटलाइज किया विद ग्रांट गवर्नमेंट के पैसे के बगैर। तो उसके बाद भी ये आते रहे, और आर्ट्स काउंसिल आए भी, लेकिन अब ऑफिशियली चूँकि मैं तो खुद ही मंडे को मैंने चार्ज लिया है, तो मैंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की कि कोऑर्डिनेशन हमारे दरमियान रहनी चाहिए, और आपका तो ताल्लुक भी ज़ाहिर है इसी सूबे से भी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां फेडरल की हैं, तो चूँकि हमारे जो रिलेशंस हैं और दोस्ती है वो भी एक इंटेलेक्चुअल बुनियादों पे है कि हम थॉट शेयर करते कि किस तरह का दुनिया को होना चाहिए ज़माने से, तो मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ हुकूमत सिंध की जानिब से और अपनी जानिब से। और अब मैं इनके सामने करता हूँ मुर्तजा सोलंकी से। बहुत शुक्रिया। मैं तो शाहजी को मुबारकबाद देने के लिए रुका हूँ, मुझे कहीं और जाना है, लेकिन क्योंकि शाह साहब जो है वो अदब सकाफत और मीडिया इन तमाम डोमेन्स में उनकी एक अच्छी शोहरत है और मेरे पुराने दोस्त हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए कराची आए और मुबारकबाद दें। मुझे बहुत तवक्कुआत हैं शाह साहब से, लेकिन शाह साहब की मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हुए कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके दरमियान मवासलात का और राबते का कोई फुकदान ना हो, और हम मिल के बहुत सारी चीज़ें जो कि इस मुल्क को जिसकी ज़रूरत है तो हम मिल के काम करेंगे। और अनकरीब शाह साहब और जो दूसरे जो सूबाई वज़रा हैं इत्तला'आत के, उनके साथ मिलकर हम कोई मुश्तरका हिकमत अमली भी बनाएंगे, क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे। और ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जिस जमात को या जमातों के ग्रोह को इक्तदार में लाना चाहते हैं, चाहे सूबे हों या वफाकी हुकूमत हो, ये उनका अख्तियार है। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। जो बड़े जो बुनियादी जो मामलात हैं, चाहे मईशत के हों, खारजा पॉलिसी के हों, गवर्नेंस के हों, मकामी हुकूमतों के हों, ये फैसला करना मुंतखब पार्लिमान का काम है। तो हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि जब से हमने हुकूमत मिली है तो उसके बाद हालात ख़राब ना हों, बेहतर हों, बेहतर हालत में हम मुल्क मुंतखब पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। तो हम उस पर बिल्कुल साफ हैं, कमिटेड हैं, और किसी किस्म की कोई शक और शुबा नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सोलंकी साहब, आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो है 8 फरवरी में ही होंगे, लेकिन नून लीग और खास तौर पे जीडीए यहां सिंध में जो ये नई हल्का बंदियां हुई हैं उनके खिलाफ वो कहती है कि हम कोर्ट जाएंगे, जब वो कोर्ट जाएंगे तो यकीनन उसमें एक दो माह लग जाएंगे, तो ये 8 फरवरी को कैसे होंगे इलेक्शन? देखें, अब बहुत सारे मफरूजे जो है अपने सवाल के अंदर समोए हुए हैं, और एक मफरूजा ये है कि जी वो पिटिशन्स होंगी और वो इतना ताखीरी होंगी। आपने साथ ही मेरे ख्याल में ये भी फ़र्ज़ कर लिया कि अदालत जो है वो इन पिटिशन को सुनते हुए इलेक्शन के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर जारी कर देंगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली। इस मुल्क के अंदर इंतखाबात कराने के लिए वाहिद आइनी इदारा जिसकी आइनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। किसी अदालत ने इलेक्शन नहीं कराने, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, अहमद शाह और मुर्तजा सोलंकी ने इलेक्शन नहीं कराने। हम पीछे मदद के लिए हैं, हमने सहूलत कारी करनी है, इयानत करनी है, जो हम कर रहे हैं आइंदा भी करेंगे। सवाल
लेकिन बाद सियासतदानों को अभी तक एतमाद नहीं आ रहा। जैसे कल भी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दो सूबों में जो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत सियासतदानों की कोई कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई इरादा रखती है और उसमें उनका उनका एतमाद बहाल हो सके? देखें, एतमाद न होना और एतमाद न होने का इजहार करना, ये दो अलग बातें हैं। कई दफ़ा आप मज़लूम होते नहीं हैं लेकिन मज़लूम होने का इजहार करते हैं। ये तमाम चीज़ें, शिकायत और ये कहना कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ये सियासी अमल का हिस्सा है। सियासत के अंदर ये शिकवे शिकायतें, जायज़ नाजायज़ बातें, ये जमहूरियत का हिस्सा हैं। जमहूरियत कब्रिस्तान नहीं है जिसमें खामोशी हो। जमहूरियत जो है वो शोर वाला एक अमल है। डेमोक्रेसी इज़ नॉइज़ी इन इट्स एसेंस, और उसी के दरमियान सारी बातचीत होके और फाइनल कोई चीज़ सामने आती है। आपने सिर्फ एक शाह साहब का ज़िक्र किया, इसमें आप शामिल कर लें और बहुत सारी शिकायत, बहुत सारे लोगों को शिकायत हैं और उन तमाम लोगों की तनकीद और शिकायत करने के हक का मैं एहतराम करता हूँ। जिस तरह से बहुत सारे लोगों को इजहार राय की आज़ादी है, इस तरह से आपका जो तज़िया है उसके हक का भी मैं एहतराम करता हूँ। देखें, रेडियो पाकिस्तान की एक फंक्शनल इमारत मौजूद है जहां से उसके सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये जो गुलशन इकबाल की जो इमारत है वो नई इमारत है। आप जिस पुरानी इमारत की का ज़िक्र कर रहे हैं, ये उसके जो मामलात हैं ये आज के नहीं हैं, वो पुराने हैं, और इस सिलसिले में जो मुतल्लिका जो इदारे हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है और जो गुफ्तगू है वो जारी है। मैं इसके बारे में जो वजारत कानून है उनसे मशवरा करके आपको मज़ीद मालूमात दे सकता हूँ। आपके पास है वो जमाल शाह के पास? अच्छा, वो फिल्म का जो डिपार्टमेंट है, असल में फेडरल में कल्चर की कोई मिनिस्ट्री नहीं है, और ये चूँकि डिसेंट्रलाइज हो गई थी, सूबों को चली गई थी, वहाँ पे एक छोटी सी मिनिस्ट्री है, वो कहलाती है नेशनल हेरिटेज, जो इस्लामाबाद के 6-7 इदारों पर मुश्तमिल है। और ये जो फिल्म का डिपार्टमेंट है, ये मरियम औरंगज़ेब ने पहले एक मीटिंग की थी, और ये है इंफॉर्मेशन के पास। तो मेरी मुर्तज़ा सोलंकी साहब से 3 दिन पहले भी बात हुई है,
और कल रात को सारे फिल्म प्रोड्यूसर और की जो और ये यूपीए है इनसे मैंने बात की है, एक हफ्ते भर में ये अगले विजिट पे आ रहे हैं और मैंने इनकी मुस्तफ़ा कुरैशी से बात कराई है फ़ोन पे, तो ये आ रहे हैं तो हम सारे स्टेक होल्डर को बुला रहे हैं क्योंकि फ़ंड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि यंग फिल्म मेकर और जो पाकिस्तान के इमेज को हाईलाइट करने का फिल्में बनती हैं, तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं उसको और ये अपनी मसरूफियत में से देखते हुए तो हम यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं और उसका एक एक्शन प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। बाकी आप कुछ कहना नहीं, मेरे ख्याल में आपने काफ़ी काफ़ी कह दिया। एक मिनट, ये आप कुछ कह रहे हैं नारकोटिक्स मेरे पास नहीं सर, नारकोटिक्स नहीं, समाजी तहफ्फुज़ हुआ है। हाँ, समाजी वो किया था सर, उसमें बच्चे घरों से भाग जाते हैं, 1.2 मिलियन पूरे पाकिस्तान में, 2 लाख कराची में, सड़कों में, मुझे मालूम है जाहिर। उसमें सर इसके बारे में क्या? देखिए बात यह है कि जिस ये जो समाजी तहफ्फुज़ जिसको कहते हैं और सोशल प्रोटेक्शन, ये वजारत पिछले साल बनी है और किसी को इसका नाम भी पता नहीं था और इसमें ये सब कुछ कुछ भी नहीं है अभी तक। ये एक वर्ल्ड बैंक की ग्रांट थी कोई 150 मिलियन डॉलर और वो स्पेसिफिक ग्रांट थी मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ के हवाले से कि आमला औरतों को सिंध के जो सबसे गरीब रिमोट तरीन ज़िले हैं उसमें उन्हें रजिस्टर किया जाए और उनको जो बेसिक हमारे गवर्नमेंट के रूरल हेल्थ सेंटर हैं उनको भी इस ग्रांट में से पैसे मिल रहे हैं कि वहाँ पर उनकी डिलीवरीज और इलाज किया जाए। उसके अलावा हर खातून को 30,000 रुपये दूध के लिए बच्चे और माँ की सेहत के लिए दिए जाए, इसका बिल्कुल महदूद सा एक वो है। दूसरा ये 2022 में चूँकि बनी है तो उसका एक अथॉरिटी बना दी गई है और हारिस गजदर साहब को ज़्यादातर आप लोग जानते हैं तो वो उसके सीईओ हैं और ज़्यादातर प्राइवेट मेंबर्स हैं और चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं, बट ये स्पेसिफिक पर्पज़ एक व्हीकल है तो उसके लिए भी अभी मैं जा रहा हूँ। अभी तक 70,000 रजिस्ट्रेशन किए हैं, 31 जनवरी तक वर्ल्ड बैंक की डेडलाइन है कि हमें अभी 5 जिलों में एक्टिवेट हुई है, 15 जिलों पर जाना है और वो रिमोट ज़िले हैं तो वो हम उस पर जा रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में जो ये जो मिनिस्ट्री है शायद ब्रिगेडियर हारिस के पास है, हम अपनी एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं पूरी कैबिनेट की, तो सारे मिनिस्टर्स को मैंने ख़त लिख दिए और हर दूसरे रोज़ एक वज़ीर को लेके बैठ के प्रेस मैं लेके आऊँगा और सारे सवालों का वो खुद जवाब देगा। ये रोज़ हो रहा है, मसलन कल जुनैद अली शाह के साथ बैठ रहा हूँ, उसके बाद कल का लंच भी आपका हमारे साथ, फिर मंडे को राणा को बुलाए कि बहुत सारे चैनल्स पर आपके बारे में चीज़ें चल रही, उससे पहले ब्रिगेडियर हारिस के साथ कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मेहमान आए हुए हैं इस पे हम अलहदा से इंशाल्लाह बात करेंगे। कुछ ये सवाल करना चाह रहे ताहिर सिद्दीकी हमारा बहुत सीनियर डॉन का जर्नलिस्ट है, आप भी जानते हैं ज़माना कदीम का है, खुदाई में निकला था, हमारा तासुब पुराना है। हाँ ये 9,000 तुम पूरे पाकिस्तान में कह रहे हो? अच्छा, 9,000 स्कूल आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ पे, और वहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, तो जो इस वक्त वक्त है बचा उसमें आप समझते हैं कि ये इसका जवाब तो मुझसे लेना चाहिए ना। तो 9,000 जी सर, 9,000 स्कूलों की रिपेयर जो है वो आइंदा 1.5-2 माह में मुमकिन है, जबकि आपके वो सैकड़ा रूल्स और वो टेंडरिंग और वो पूरा प्रोसेस है, एक तो ये कि ये जो हिसाब है तो उसके अंदर कहीं गुसलखाने का मसला होगा, कहीं पंखा नहीं होगा, इमारतें कायम हैं
और ये सारे सवाल बचा के रखें ना मंडे को लंच पे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको लेके आपके सामने बैठ रहा हूँ। मैंने प्रेस क्लब में पहले दिन आकर कहा था जो मिनिस्टर गलत काम करेगा हम उसकी सफाई पेश नहीं करेंगे, तो बारी बारी सब आपके सामने आएंगे। जिस मिनिस्ट्री का इशू है आप उससे बात करें। अभी तो मुर्तजा साहब के हवाले से कोई बात है, मेरे ख्याल में आपकी शिकायत जायज़ नहीं है। वज़ीर आज़म कई दफ़ा कराची आए हैं और जी तो आप दो उंगलियां ज़रूर दिखाएं, लेकिन महीने भी इतने ही इससे ज़्यादा नहीं हुए। तो यहाँ पर तो ये हुआ है कि चार चार साल वज़ीर आज़म रहे हैं और एक रात कराची में नहीं ठहरे। पिछली दफ़ा भी वज़ीर आज़म कराची में रात ठहरे और शाम को भी जो ताजिर हजरात थे उनसे मिले, सुबह में भी मिले, तमाम स्टेक होल्डर से मिलेंगे, आज भी आ रहे हैं। स्टॉक जो इवेंट है स्टॉक एक्सचेंज का वहाँ भी जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म साहब जो है वो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ सूबों में जाने का भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है और मीडिया इंगेजमेंट के हवाले से भी मेरे ख्याल में इतना मीडिया फ्रेंडली वज़ीर आज़म आपने नहीं देखा होगा पहले से। अच्छा ये सारी बातें अभी करेंगे और इसको बचा के रखते हैं। अभी मैं वोट लेने के बाद आखिरी कोई सवाल, सिर्फ मैं अभी चाह रहा हूँ, मैं तो रोज आपको अवेलेबल हूँ कि आप हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं इनके हवाले से कोई बात है तो कर लें, उसमें मैं अलग से आज ही ब्रीफिंग दूंगा। आखिरी सवाल, देखें ये जो सिक्योरिटी के जो खतरात हैं वो हमेशा रहे हैं, हर इलेक्शन में रहे हैं, लेकिन आप याद करें 2008 में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी पूरे मुल्क की। उससे पहले जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इसी तरह से 2013 के जो इंतखाबात थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुरअमन उस तरीके से तो नहीं थे। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, आज भी मौजूद हैं और ये सीरियस चैलेंजेस हैं और हम इनको सीरियस भी लेते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसको हमारे सिक्योरिटी के इदारे कंट्रोल ना कर सकें, जिसकी वजह से कोई बड़ा ख़तरा हमें नज़र आता हो जो किसी तौर पे भी इलेक्शन के इल्तवा के हवाले है। पश्तीन साहब का आपने मुझे बताया, मैं ज़रा वज़ीर दाखला से ज़रा मालूम करता हूँ, मैं ख़ुद सफ़र में हूँ तो इस वजह से मेरे पास ताज़ा तरीन मालूमात नहीं है, मैं मालूम करके आपको बताते हैं। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा सोलंगी साहब फेडरल मिनिस्टर, और इंशाल्लाह ये लॉजन हमारा चलता रहेगा। आप चाय तो नहीं पिएंगे यहाँ हमारे साथ?